जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है आपका एस्ट्रो आश्रम में। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ बेल पत्र के पौधे को लेकर। भ्रांतियां ऐसी हैं कि बेल पत्र का पौधा घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि बेल पत्री का पौधा हमें लगाना चाहिए घर में या नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए तो कैसे लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए। बेल पत्र का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि अगर आपके घर में कोई कच्ची जगह नहीं है या गार्डन नहीं है, कच्चा जमीन नहीं है, तो आप इसको अपने घर में गमले में भी लगा सकते हैं। ऐसा माना गया है कि अगर बेल पत्र का पौधा आपके घर में है तो किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, वो चाहे आपके साथ या किसी और के साथ कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसके अलावा ये भी माना गया है कि जहां पर बेल पत्र का पौधा होता है वहां पर माता महालक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि बेल पत्र की जड़ में ही माता महालक्ष्मी का स्थान माना गया है। तो यदि आपके घर में बेल पत्र का पौधा रहेगा तो माता महालक्ष्मी की कृपा या धन से संबंधित कोई भी समस्या आपके घर में नहीं होगी। और अगर बेल पत्र का पौधा आप लगाना चाहते हैं, उसे कहाँ रखना चाहिए, तो बेल पत्र को पौधे को रखने की जो सबसे सही जगह होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम का कॉर्नर। दक्षिण पश्चिम का कोना जो होता है, जिसको साउथ वेस्ट का कोना भी कहा जाता है, उसमें अगर आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। जय श्री श्याम।